यह बुध ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है और यह सन से सबसे करीब का प्लैनेट है। सबसे पहले मर्क्यूरी प्लैनेट को 17 सेंचुरी में गैलीलियो ने अपनी ही बनाई टेलीस्कोप से देखा था। उस समय गैलीलियो की टेलीस्कोप इतनी पावरफुल नहीं थी, इसलिए गैलीलियो ज्यादा कुछ नहीं देख पाए थे। प्राचीन रोम के लोग बुध ग्रह को देवताओं का संदेश वाहक मानते थे, क्योंकि यह अंतरिक्ष में काफी तेजी से गति करता है। अगर पृथ्वी से बुध ग्रह को नंगी आंखों से देखना हो तो सूर्य उगने के ठीक पहले और सूर्य डूबने के ठीक बाद देखा जा सकता है। बुध ग्रह का आकार शनि के उपग्रह टाइटन और बृहस्पति के उपग्रह गैनीमेड से थोड़ा सा छोटा है। वैसे तो प्लूटो भी बुध ग्रह से छोटा है, पर अब वैज्ञानिक प्लूटो ग्रह को नहीं मानते, उसे बौने ग्रहों का दर्जा दे दिया गया है। बुध ग्रह के तापमान की बात करें तो बुध ग्रह के दिन के और रात के तापमान में भारी अंतर पाया जाता है। बुध ग्रह का दिन का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि रात का तापमान 0 डिग्री से कई नीचे -176 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। बुध ग्रह के 2 साल 3 दिन में होते हैं, मतलब कि बुध ग्रह सूर्य के 2 चक्कर लगाने में अपनी ही दूरी पर 3 बार घूम लेता है। लेकिन 1962 तक यह माना जाता था कि बुध ग्रह का 1 दिन का समय और 1 वर्ष का समय बराबर है, लेकिन यह गलत है। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा अंडाकार पथ पर करता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। इसकी सूर्य से निकटतम दूरी लगभग 4.60 करोड़ किलोमीटर है, जबकि अधिकतम दूरी 7 करोड़ किलोमीटर तक की है। ऑर्बिट पीरियड यानी कि सन का चक्कर लगाने का समय 88 दिन का है और सन के चक्कर लगाने की स्पीड 47.36 किलोमीटर पर सेकंड की है। बुध ग्रह सूर्य का चक्कर सभी प्लैनेट में सबसे तेज गति में लगाता है। बुध ग्रह की संरचना के बारे में बात करें तो बुध ग्रह 30% सिलिकेट और 70% मेटल से बना हुआ है। बुध ग्रह पर बहुत ज्यादा बड़े बड़े गड्ढे देखे गए हैं। ये सैकड़ों किलोमीटर तक चौड़े और 3-3 किलोमीटर तक गहरे पाए गए हैं। सबसे बड़े गड्ढे की बात करें तो उसका नाम कैलोरिस बेसिन है, जो बुध ग्रह का 1550 किलोमीटर का डायमीटर कवर करता है। बुध ग्रह का वातावरण स्थिर नहीं है। इसके इर्द गिर्द वायुमंडल की कोई विशेष परत भी नहीं है। जो थोड़े बहुत परमाणु और वायु होने के कारण इसके दायरे में आ भी जाते हैं तो वह बुध के बहुत गर्म होने के कारण जल्द ही उड़कर अंतरिक्ष में चले जाते हैं, जिसके कारण इसका वातावरण कभी स्थिर नहीं रहता है। अब बात करते हैं मर्क्यूरी प्लैनेट पर भेजे गए सैटेलाइट के बारे में। सूर्य के करीब होने के कारण इसे पृथ्वी से देखने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वैसे हमारे वैज्ञानिकों ने मर्क्यूरी प्लैनेट पर अभी तक 2 सैटेलाइट भेजे हैं, जिसमें से पहला मारिनर 10 है, जो 1973 में भेजा गया था। इसने बुध ग्रह के सरफेस का 45% नक्शा बनाया था और वहां से कुछ इमेजेस प्रोवाइड की थी, जिन्हें हम सब ने देखा था। अब बात करते हैं दूसरे सैटेलाइट के बारे में, जिसका नाम है मैसेंजर, यानी मर्क्यूरी प्लैनेट पर नासा का दूसरा मिशन। मैसेंजर यानी कि मर्क्यूरी सरफेस स्पेस एनवायरमेंटल जियोकेमिस्ट्री एंड रिंगिंग, इसने उस हिस्से का मैप बनाया जो मारिनर 10 नहीं बना पाया था। मैसेंजर 2 साल पहले 30 अप्रैल 2015 को बुध की सतह पर क्रैश हो गया था। अब हम बात करते हैं भविष्य में होने वाले मिशन के बारे में। इस साल यानी कि अक्टूबर 2018 को एक मिशन भेजा जाएगा, जिसका नाम है बेपी कोलंबो 2018। यह यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान का जॉइंट मिशन है, जो अक्टूबर 2018 में लॉन्च होगा और यह 2025 तक बुध ग्रह यानी कि मर्क्यूरी प्लैनेट पर पहुंच जाएगा।